हम लोग के मांग है कि माफी मांगे हैं ट्विटर पर, और वो पहले तो जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं कि हम गाली ब्राह्मण समाज को नहीं दिए हैं, हम अपने समाज को गाली दिए हैं। उसने उन्होंने बोले हैं कि से हम सत्यनारायण भगवान के कथा कहने आता है ब्राह्मण, तो कौन जाता है? ब्राह्मण न जाता है, उनका समाज जाता है पूजा पाठ करवाने के लिए। तो हमारे यहाँ खाना नहीं खाता है, तो सब लोग से ताली पिटवा रहे हैं कि वो तो खाना नहीं खाता है ब्राह्मण, तो आप ब्राह्मण को गाली दीजिएगा तो आपके यहाँ खाना खाएगा? जीतन राम मांझी को होश में आए, क्योंकि हम लोग अभी चुप नहीं रहेंगे, यहाँ आए थे केस करने के लिए। नमस्कार, रिलायंस बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था ब्राह्मण समाज को लेकर, उसको लेकर ब्राह्मण समाज में काफ़ी नाराजगी है। नाराजगी का आलम देखिए कि तमाम जो लोग हैं समाज के, वो धरने पर बैठे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। और PSS परशुराम सेवा संस्था के राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा बिहार जो है वो आज धरने पे, हम कुछ लोग हैं इनसे बात करेंगे, महिलाएं भी यहाँ पे, कि जब जीतन राम मांझी ने माफ़ी मांग ली, आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए, मांग क्या है आखिर? हम लोग की मांग है कि माफ़ी मांगे हैं ट्विटर पर, और वो पहले तो जीतन राम मांझी जी बोल रहे हैं कि हम गाली ब्राह्मण समाज को नहीं दिए हैं, हम अपने समाज को गाली दिए हैं। उन्होंने बोले हैं कि से हम सत्यनारायण भगवान के कथा कहने आता है ब्राह्मण, तो कौन जाता है? ब्राह्मण न जाता है, उनका समाज जाता है पूजा पाठ करवाने के लिए। तो हमारे यहाँ खाना नहीं खाता है, तो सब लोग से ताली पिटवा रहे हैं कि वो तो खाना नहीं खाता है ब्राह्मण, तो आप ब्राह्मण को गाली दीजिएगा तो आपके यहाँ खाना खाएगा? जीतन राम मांझी को होश में आए, क्योंकि हम लोग अभी चुप नहीं रहेंगे, यहाँ आए थे केस करने के लिए जीतन राम मांझी के विरोध में कि ऐसा बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि अध्यक्ष नहीं है, स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष गायब हैं। तो हम लोग को पता चला कि वो 4 साल से अध्यक्ष नहीं गठित हुआ, यहाँ हुआ है। बस एक ही निवेदन है कि जैसे आप बोले हैं खुले मन से, आपने माफ़ी आके मांगी है, फिर पूरे समाज के, किसी पर्सनल एक ब्राह्मण को गाली नहीं दिए हैं, पूरे समाज को दिए हैं। हम लोग अभी ऐसे नहीं मानेंगे, उनका संतुलन मानसिक खराब हो गया है, समझ रहे हैं ना? नहीं नहीं, एक बात बीजेपी की तरफ से नेता ने कहा कि उनकी जीभ काट लेगी 11 लाख रुपए इनाम, वो कहते किसी माँ ने दूध नहीं पिलाया जीभ काट लेगी। देखिए, जीभ काटने वाथी की बात नहीं हम बोलेंगे, हम बस एक ही निवेदन है कि जैसे मुंह से गाली दिए, वो बलगला रहे हैं कि हम ब्राह्मण को गालियां नहीं दिए हैं, बोले आके समाज में कि नहीं, मन से बोले, हमारे पर्सनली हमारा भी जुनाने की जरूरत नहीं है, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हम लोग आदमी आम आदमी के पास क्या आएंगे? वो मन से बोले कि जो मुंह से हम गाली दिए हैं, हम ब्राह्मण समाज से, देवता देवी से, जो सत्यनारायण भगवान के जो बारे में बताए हैं, उनसे कहें कि हमसे गलती हुई है, जो बोले हैं मुंह से निकल गया है, माफी मांगेंगे तब हम लोग चुप रह जाएंगे। बिल्कुल खुले मन से जीतन राम मांझी जो है वो माफ़ी मांगे, ट्विटर पे माफ़ी मांगने से नहीं होगी। ये तमाम जो लोग बैठे हैं काफ़ी नाराज़ हैं, जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर जिन शब्दों का प्रयोग और सत्यनारायण भगवान को लेकर जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी है। ये तस्वीर हम आपको पटना के दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो समाज के लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बने रिलायंस बिहार के साथ। नमस्कार।